हे दोस्तों, जब से Xiaomi का पोको स्मार्टफोन आया है मार्केट में, तब से लोगों को ये जानना है कि लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। लोग ये जानना चाहते हैं लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है और ये कैसे काम करती है। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ लिक्विड टेक्नोलॉजी कब आई थी और कैसे ये स्मार्टफोन में काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल EXP। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लिक्विड टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत पहले से ही है। इसके पहले आप सैमसंग गैलेक्सी S7, सैमसंग गैलेक्सी S8 और S9 में भी देख सकते थे ये टेक्नोलॉजी। इसके अलावा नोकिया लुमिया 950 में भी ये टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद Xiaomi के खुद अपने गेमिंग स्मार्टफोन में भी ये टेक्नोलॉजी थी, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। तो मैं एक छोटे से स्मार्टफोन में बताऊं कि लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये PC कंप्यूटर, एक हैवी कंप्यूटर में कैसे काम करता है। बेसिकली एक ट्यूब लगा होता है जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ होता है, कॉपर का ट्यूब होता है, जो कि एक लिक्विड को प्रोसेसर से लेकर पूरे दूसरे पार्ट में फ्लो करता रहता है, जैसे कि प्रोसेसर की हीट डिसिपिएट होकर उस लिक्विड के थ्रू दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन फ़ोन एक छोटा कॉम्पैक्ट डिवाइस है, इसमें लिक्विड भरना, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे ये ख़राब हो जाता होगा, लिक्विड का क्या इफेक्ट होता होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि आजकल के स्मार्टफोन बहुत ही हैवी होने लगे, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर उसमें लगा होता है, तो ऐसे में चांसेस रहता है कि वो प्रोसेसर हीट हो जाए और डैमेज हो जाए। लेकिन उस प्रोसेसर को ऐसे प्रोग्राम किया गया होता है कि वो डैमेज नहीं होते, आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस अगर लगातार यूज़ कर रहे हो तो वो डाउन हो जाती है, परफॉर्मेंस घट जाती है। लेकिन फ़ोन एक छोटा कॉम्पैक्ट डिवाइस होता है, प्लास्टिक के मटेरियल से बने होते हैं स्मार्टफोन, इसलिए हीट जल्दी से बाहर नहीं निकल पाती और फ़ोन की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। ऐसे में काम आता है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। तो लिक्विड कूलिंग में होता क्या है कि एक कॉपर की छोटी सी पाइप होती है जिसका साइज़ अप्रॉक्स 1 mm होता है। 1 mm की छोटी कॉपर की पाइप होती है जो कि प्रोसेसर से लेकर स्मार्टफोन के दूसरे पार्ट में सर्कुलेट करती है, और छोटे से पाइप में एक लिक्विड भरा होता है जो कि प्रोसेसर के हीट को डिसिपिएट करता है, उस लिक्विड के थ्रू चारों तरफ सर्कुलेट करता है, जिससे कि प्रोसेसर की हीट मोबाइल फ़ोन के दूसरे पार्ट में भी ट्रांसमिट हो जाती है। अभी कैसे होता है, आपके डिवाइस का हीट तो बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, आपकी डिवाइस हीट तो करेगी लेकिन परफॉर्मेंस डाउन नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि हीट जो होती है वो दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है उस पाइप के थ्रू, यानी कि कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता, गेमिंग या फिर कोई हैवी टास्क करने पर। यानी कि कुछ इस तरीके से प्रोसेसर की हीट को कॉपर ट्यूब ट्रांसमिट करता है दूसरे पार्ट में, और उस बीच कुछ हीट होता है वो डिसिपिएट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ हीट होता है जो कि उसी फ़ोन में रह जाता है ट्रैप्ड, लेकिन वो प्रोसेसर में हीट नहीं रहता है, जिससे कि प्रोसेसर की स्पीड स्लो नहीं होती। तो बस यही थी लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, ये बहुत पहले से है, कुछ नई टेक्नोलॉजी नहीं है ये। लेकिन पोको F1 के आने के बाद ये बहुत ही चर्चा में आ गया था, सोचा मैंने एक वीडियो बना दूँ। और दूसरी बात, सॉरी ये बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, क्योंकि मुझे, आप देख सकते हो ये बैकग्राउंड चेंज है काफ़ी, क्योंकि इसके पहले मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था कॉलेज में शिफ्ट होने के बाद, तो काफ़ी लेट से वीडियो मिली है। लेकिन अब से आपको इसी जगह पर वीडियो देखने को मिलेगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके मुझे नीचे जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो। और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूँ कि पोको F1 अपने बजट रेंज में एक पहला स्मार्टफोन है जिसमें कि लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है। तो बस इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके लिए टिप्स, ट्यूटोरियल्स, कॉन्सेप्ट और रिव्यूज लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।